साथियों नमस्कार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग सवा साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन चार पांच प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया है, कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है उसके पास से पकड़ा, तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के, कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गेस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही। और अंततो गत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था, उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी। अनुराधा के बारे में हमको ये बता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स में चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था। जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है, तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं, तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर, बताया जा रहा था कि विदेश में था या इंडिया में था 2020 से? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है,
और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मैं मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं फिलहाल और अभी तक कितने और वारदातों को अंजाम दे चुके हैं जो सामने नहीं आ पाए? देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कन्फर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। सर, इस पकड़ने से कितने मामले सुलझने का आपका? जी, इस पकड़ने से कितने मामले सुलझने का आपका? देखिए, 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठड़ी के संपर्क में आई। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकें। जी जी, इसमें मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा, तो पहले भी 2-3 बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो यूके में है। तो ये तीन तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है। तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित। हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। उसका मास्टरमाइंड था ये कुलदीप फज्जा, जो फरार हुआ बाद में इनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसकी उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। सबसे लंबे वक्त तक ये कहाँ पे रहे हैं? मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। गाड़ियाँ बदलते रहते थे। जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक ह्युंडई क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया है। अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गए। मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत, अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत है, इतना ही कह सकता हूँ। दैट हैज़ टू बी असर्टेन। अगर 4 स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू।
अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानियत ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो। तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा